नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीडीपी इन्वेस्टमेंट में। आज के सीडियो में मैं बात करने वाला हूं दोस्तों फार्मा सेक्टर के दो बेहतरीन पिक के ऊपर जो कोरोना की वैक्सीन से जुड़े हुए हैं और कोरोना की मेडिसिन से भी दोस्तों जुड़े हुए हैं दोनों स्टॉक। और ये दोनों स्टॉक में हमने बहुत पहले ही इसमें एंट्री ले ली है, तो आगे कौन से लेवल इम्पोर्टेंट है उसका दोस्तों मैं चार्ट के ऊपर विस्तार से समझाऊंगा। और आने वाले टाइम में इसमें से एक स्टॉक है जहां पे तगड़ा मूवमेंट हो सकता है, तो कौन सा ये स्टॉक है उसके ऊपर दोस्तों बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की दोस्तों। तो पहला स्टॉक है दोस्तों पैनेसिया बायोटेक। अगर आप मेरे चैनल में पहले से जुड़े हुए तो मैं बता दूं कि 250 का जो लेवल था जहाँ पे मेजर रेजिस्टेंस था दोस्तों, बहुत ही टफ रेजिस्टेंस था। और हम अभी डेली चार्ट के ऊपर हैं, मैं आपको वीकली चार्ट के ऊपर भी ले जाऊंगा, तो बहुत ही स्ट्रांग रेजिस्टेंस था। तब ये स्टॉक ने जब रेजिस्टेंस तोड़ा था, इस तब न्यूज़ था कि स्पुटनिक 5 रशिया की जो वैक्सीन है इनका ये लोग प्रोडक्शन करने वाले हैं। और आप देखोगे दोस्तों एक आध महीने के अंदर ही दोस्तों स्टॉक ने पैसा ऑलमोस्ट डबल के आसपास कर लिया है हमारा। और ये जो लेवल है 351 का, वहाँ पे भी मैंने बताया था कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, वहाँ पे रुक सकता है, वहाँ पे दोस्तों सपोर्ट लेके वापस गया। और अभी जो ये वीकली चार्ट के ऊपर मैंने दिखाया था 455 का लेवल, वहाँ के आसपास ही दोस्तों 2 दिन ट्रेड किया है दोस्तों। वीकली चार्ट के ऊपर इसका मुआवजा कर लेते हैं। तो ये क्यों 445 का रेजिस्टेंस मैंने ड्रॉ किया था वो मैं आपको बता देता हूँ कि 445 का जो रेजिस्टेंस था वो बहुत ही सटीक रेजिस्टेंस था दोस्तों, क्योंकि 8 जून 2007 में जो रेजिस्टेंस था वो हाई बना था 447 का। उसके बाद 12 अक्टूबर में भी 448 का हाई बना था, और उसके बाद जो हाई बना था 20 दिसंबर का, यानी कि ये स्टॉक ऊपर वहाँ से उसके बाद ज़िंदगी में कभी गया ही नहीं है। तो उसकी वजह से ये स्टॉक में 445 का रेजिस्टेंस बहुत इम्पोर्टेंट है, और उसके बाद जो उसका लाइफ टाइम हाई है वहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल बनेगा। तो आप वॉल्यूम देखोगे दोस्तों स्टॉक के ऊपर तो बेहतरीन वॉल्यूम हमें मिल रहा है, और ये वॉल्यूम की वजह से ही स्टॉक जबरदस्त हमें पिकअप दे रहा है। अब दूसरे स्टॉक के ऊपर दोस्तों डिस्कस करते हैं, वो है कैडिला हेल्थ केयर के ऊपर। कैडिला हेल्थ केयर दोस्तों बहुत पहले से इस चैनल के ऊपर मैं रेकमेंड कर रहा हूँ। जब 510 का ब्रेकआउट आया था तब मैंने रेकमेंड किया था, क्योंकि बहुत ही मेजर रेजिस्टेंस था, और वो ब्रेकआउट मिला और वहाँ से स्टॉक ने धूम मचा दी है दोस्तों। 556 का जो लाइफ टाइम हाई था वहाँ भी तोड़ा, और फिर स्टॉक लाइफ टाइम हाई के ऊपर चल रहा है दोस्तों। आज मैं कैडिला हेल्थ केयर के चार्ट के ऊपर बहुत ही बेहतरीन चीज़ आपको नोटिस की है मैंने, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि फार्मा स्टॉक तो अभी है ही तेज़ी में, और आप वॉल्यूम आप देखोगे तो वो भी बहुत ही बेहतरीन है स्टॉक का। बट अगर आप देखोगे कि ये 3 वीक का जो ट्रेडिंग सेशन है उसकी बात करते हैं, यानी कि ऑलमोस्ट हमारे पास 15 दिन है, तो 15 दिन में स्टॉक ने हाई बनाया 673 का, लो बनाया 606, यानी कि 600 हम राउंड अबाउट पकड़ लेते हैं, और 670 का हाई पकड़ लेते हैं। क्लोजिंग दिया है दोस्तों 617, नोट रखना क्लोजिंग अमाउंट, क्लोजिंग जो है वो 617 है। दूसरा जो है हाई बनाया 628 और लो बनाया 601 का, यानी कि 600 का, और क्लोजिंग दिया 613। और दूसरा जो है तीसरे वीक में भी सेम सिचुएशन है दोस्तों, लो हाई बनाया और क्लोज आया 621, यानी कि बहुत ही नैरो रेंज में स्टॉक बाई कर मूवमेंट कर रहा है। उसके पीछे का रीजन ये 3 वीक के अंदर ही दोस्तों हमें बेहतरीन न्यूज़ भी मिले हैं। पहला न्यूज़ था कि एनिमल जो बिजनेस है वो उन्होंने सेल कर दिया है। ब्रोकरेज के टारगेट 720 के आसपास आ रहे हैं, शेरखान के टारगेट 720 है। इवन आप बिलीव नहीं करोगे कि जो कोविड का मेडिसिन है माइल्ड सिम्टम के लिए वो भी उन्होंने लॉन्च किया, और उसका प्राइसिंग भी लॉन्च कर दिया है। बट अब जो ये स्टॉक में तभी तेजी बनेगी शायद मेरे हिसाब से कि जब इसका वैक्सीन का न्यूज़ आएगा, जो जून के आसपास आने का बोल रहे थे। तो जैसे ही ये न्यूज़ आएगा ये स्टॉक शूटअप कर देगा दोस्तों। और अगर इसका आप लॉन्ग टर्म अगर हम इसका जो रिट्रेसमेंट लेवल भी देखते हैं दोस्तों, तो मैंने आपको बहुत बार बताया है कि इसका जो रिट्रेसमेंट लेवल है वो उसका जो रेजिस्टेंस लेवल है जो लाइफ टाइम हाई जो पहले बना था उसी के आसपास आ रहा है। तो ये 556 का जो रेजिस्टेंस लेवल है वो बहुत ही स्ट्रांग
स्ट्रांग रेजिस्टेंस है वो शायद नहीं टूटेगा और हमें आगे बेहतरीन लेवल मिलेंगे। और हमें इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ या ठीक स्टॉप लॉस के साथ आप जैसा ठीक लगे आप इसमें बने रहे हैं। बट दोस्तों जब तक वैक्सीन का न्यूज़ नहीं आ जाता है ऑफिशियली तब तक ये स्टॉक में काफ़ी वॉलेटिलिटी हो सकती है। तो आप इस लेवल के आसपास अगर आता है स्टॉक तो ज़रूर से बाई करना अगर आपने बाई नहीं किया है तो, क्योंकि 600 का भी बहुत ही स्ट्रांग वो साइकोलॉजिकल लेवल है तो वहाँ पे भी वो रुकने की कोशिश कर रहा है। बट मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है क्योंकि मार्केट अभी लाइफ टाइम हाई के ऊपर चल रहा है। तो अगर वो आता है तो इसमें आपको काफ़ी अच्छा मुनाफा मिल सकता है आने वाले टाइम में। दोस्तों ये मेरा पर्सनल व्यू है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।